आज फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे बाउंड्री कंडीशन के सेकंड पार्ट के ऊपर, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट्स की रिलेशनशिप क्या होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के साथ। बेसिकली बाउंड्री कंडीशंस में हम लोग जानने की ये कोशिश क्या करते हैं कि अगर दो मीडियम्स है और उन्हें कोई इंटरफेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है बेसिकली, तो हम लोग उस सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में क्या रिलेशंस है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने जो बातें की थी उसके बारे में थोड़ी नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। चलिए आपसे बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि यार चलो एक मीडियम वन है और एक मीडियम टू है, ठीक, और आपने मीडियम वन के नीचे कहीं पे चार्ज ला के रख दिया होगा, मीडियम वन के नीचे कहीं पे ला के चार्ज रख दिया होगा। तो अगर आप चार्ज ला के रख देते हो या किसी भी तरीके से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देते हो, तो अफकोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कुछ घटेगा, बाउंड्री पे क्या कुछ घटनाएं घटेंगी, उन सब चीजों के बारे में बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करते हैं। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कैसे होते हैं इसके बारे में नॉलेज हमें मिल पाती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इस सिचुएशन को ही, इस सीन को ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए हम लोग इस तरीके से पढ़ा करते हैं। और देखिए चलते हैं, देखिए क्या है बेसिकली। बेसिकली होता क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इंटरफेस है जो मीडियम वन और मीडियम टू को बांट रहा है, ठीक है। मीडियम वन मीडियम टू की ये बाउंड्री है, जिसपे मैंने ये बोला था कि इस इंटरफेस को आप मान सकते हो कि एक सीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, ठीक। और यहाँ पे जो मैंने ये फिगर बनाया है ये गॉसियन सरफेस है। ये क्या है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो दिख रहा है पिलबॉक्स के फॉर्म में, इसलिए हम लोग इसे बोल दिया करते हैं गॉसियन पिलबॉक्स, ठीक है। अच्छा, आप इसे एज्यूम करके चलो ये बुक है जो गॉसियन पिलबॉक्स है, ठीक है, गॉसियन पिलबॉक्स। और यहां कहीं बीच में जो होगा इंटरफेस रहा होगा, ये मीडियम वन रहा होगा, ये मीडियम टू रहा होगा, ठीक है। अब देखें इस फिगर से, यानी इस फिगर से हम लोग इस फिगर में टर्न आउट कर रहे हैं, और उसको टर्न आउट करने के लिए जो मैथमेटिकल अप्रोच है वहां पे हम लोग आएंगे नीचे, लेकिन जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, फिजिकल अप्रोच है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं कि ये जो सीन है वो गॉसियन पिलबॉक्स की है, इंटरफेस यहां कहीं रही होगी, ठीक। अब हम इस फिगर से इस फिगर में टर्न आउट कर रहे हैं, तो होता क्या है कि हम लोग इस गॉसियन सरफेस जो आपको दिख रहा है जो पिलबॉक्स के फॉर्म में, इसको एक थ्रेड से, सपोज करो एक थ्रेड से बांध ली, तो एक क्लोज रेक्टेंगुलर लूप बनता हुआ दिखाई आपको पड़ेगा। अगर इस गॉसियन पिलबॉक्स को अगर एक थ्रेड से इस तरीके से बांध लिया जाए तो एक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, सिंपल सा बात है। और वही रेक्टेंगुलर लूप आपको यहां दिखाया गया, ठीक है, वही रेक्टेंगुलर लूप यहां पर दिखाया गया। तो हम लोग बेसिकली टर्न आउट किससे किसमें कर रहे हैं, तो सरफेस से। देखा था आपने पिलबॉक्स को, एक सरफेस एरिया वाला बॉडी था, ठीक। अच्छा, उससे हम लोग टर्न आउट कर रहे हैं लाइन बॉडी में, ठीक है, लैमिना बॉडी में, ठीक। तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं थ्योरम वो है स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। इसके ऊपर भी आते हैं, पहले चर्चा थोड़ा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कर्ल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जीरो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल क्या होता है, ये जीरो होता है, ये हम लोगों को पता है, ठीक। तो अगर कर्ल जीरो, अच्छा एक बात ध्यान रखें कि बहुत बारी हम लोग डेल ऑपरेटर के ऊपर वेक्टर सिंबल भी यूज कर देते हैं जो कि सही नहीं है। वेक्टर सिंबल हमें यूज नहीं करना चाहिए, इनएप्रोप्रिएट आप कह सकते हो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो होती है बट मैग्नीट्यूड नहीं होती, इसलिए ये सिंबल यूज करना बड़ा इनएप्रोप्रिएट होता है। तो अगर कर्ल जीरो है तो कर्ल का इस सरफेस के ऊपर इंटीग्रल, इस पूरे क्लोज लूप के ऊपर इंटीग्रल वो भी जीरो आएगी, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इस कर्ण को अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल में चेंज करें तो इसके लिए जो हम लोग थ्योरम यूज करते हैं वो है स्टोक्स थ्योरम। तो कर्ण ऑफ ई ओवर द सरफेस इंटीग्रल इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डीएल ओवर द लाइन इंटीग्रल, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को यूज करने से बेनिफिट क्या होने वाला है, तो बेनिफिट ये होने वाला भाई साहब कि ये जो वेक्टर ई डॉट डीएल आपको दिख रहा है यहाँ या यहाँ, वेक्टर ई डॉट डीएल बेसिकली फॉर्म है पोटेंशियल का, ठीक है,
जो कि आपको यहाँ रिलेशनशिप दिख रहा होगा कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप होता है, और इस रिलेशनशिप का हम लोग यूज करके ही अभी प्रूफ करेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप को हम लोग जरा सा यूज करेंगे कर्व ऑफ पोटेंशियल लॉ के तहत। ठीक, तो कर्व ऑफ पोटेंशियल लॉ क्या कहता है? तो ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज सर्किट में अगर पोटेंशियल का सम लिया जाए तो उसका अल्जेब्रिक सम, ध्यान सुनिएगा, अल्जेब्रिक सम वो जीरो होगा। ठीक है, उसका मतलब ये है कि यार चलो मैंने एक सिंपल सर्किट यहाँ पर ड्रॉ किया है समझने के लिए कि एक मैंने सेल लगाया है, एक रेजिस्टेंस लगाया है आर ओम का। ठीक है, तो कर्व ऑफ पोटेंशियल लॉ का स्टेटमेंट ये है कि अगर मैं इस लूप में घूमू तो सम जो होगा पोटेंशियल का वो जीरो होने वाला है। मतलब ये कि अगर मैं लो पोटेंशियल एंड से हाई पोटेंशियल एंड की ओर जा रहा हूं तो मैं वी वोल्ट गेन कर रहा हूं। ठीक, और जैसे ही इस आर ओम को क्रॉस करूंगा तो मैं कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करूंगा। पोटेंशियल कितना का ड्रॉप करूंगा? जो भी करंट यहां से फ्लो हो रहा होगा, करंट टाइम इस रेजिस्टेंस। ठीक, तो वही लिखा है कि मैंने गेन किया और आयर मैंने ड्रॉप कर दिया और इनका सम क्या होना है? जीरो। और इसी को कहते हैं कर्व ऑफ पोटेंशियल ब्लॉक। ठीक है, यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज सर्किट शुड बी जीरो इज स्टेटेड बाय कर्व ऑफ। ठीक, बहुत बढ़िया, उसी का यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ। मतलब वेक्टर ई डॉट डीएल, यहाँ पर माइनस भी है, अगर माइनस आ गया आप कॉमन कर लो यहाँ इस लूप में। ठीक है, वेक्टर ई डॉट डीएल पोटेंशियल का सम हम लोग जीरो कर, तो वेक्टर ई डॉट डीएल ओवर दिस क्लोज लूप शुड बी जीरो बाय कर्व ऑफ पोटेंशियल लॉ। ठीक, ओवर दिस एबीसीडी लाइन। अच्छा, एबीसीडी लाइन मैं नाम दे देता हूं, ये है ए बी सी डी, ओवर एबीसीडी लाइन पोटेंशियल शुड बी जीरो। अच्छा, इसी को लिख देते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, वेक्टर ई डॉट डीएल ओवर एबी लाइन, वेक्टर ई डॉट डीएल ओवर एबी लाइन, वेक्टर ई डॉट डीएल ओवर बीसी लाइन, वेक्टर ई डॉट डीएल ओवर सीडी लाइन एंड वेक्टर ई डॉट डीएल ओवर डीएल लाइन। तो इस पूरे क्लोज लूप में बेसिकली हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे और उस पूरे क्लोज लूप में पोटेंशियल होने वाला है जीरो। ठीक है, तो क्लोज लूप का पोटेंशियल कर दिया जीरो। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या है कि वेक्टर ई डॉट डीएल इस पूरे पोटेंशियल को अगर आपने जीरो कर दिया, और अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट्स का हम लोग चर्चा करें, टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट का अगर चर्चा की जाए तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वन मीडियम वन में और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड टू मीडियम टू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन की टेंजेंशियल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वन की टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि आएगी इस तरफ, टेंजेंशियल कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट। ठीक, तो ई वन टी इस तरफ है और आपको दिख रहा होगा कि एलिमेंट लेंथ यानी डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर वो भी इसी तरफ है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो उनके डॉट प्रोडक्ट होगी पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ई वन टी और डीएल वेक्टर के इंटीग्रेशन एल जो कि ये लेंथ है। ठीक है, तो ई वन टी विद एल। ठीक है, देख दिया। अच्छा, अब बीसी लाइन की ओर करना है, ये इंटीग्रेशन नहीं करना है, बीसी लाइन की ओर भी। तो बीसी लाइन की ओर जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो हम ये ध्यान रखना है कि पूरा अप्रोच जो है हमारा, पूरा डिस्कशन जो है हमारा वो बाउंड्री के ऊपर है। तो बाउंड्री के ऊपर है यानी कि बिल्कुल बिल्कुल बाउंड्री के अप्रोक्सीमेटली सारा काम करना है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे कंडीशन ये है कि एच होना चाहिए लगभग लगभग जीरो, ये जो हाइट लिया मैंने वो लगभग लगभग होना चाहिए जीरो। तो अगर इस बीसी लाइन के ऊपर इंटीग्रेशन किया जाए तो ये लाइन इंटीग्रल हो जाएगा अपने आप में जीरो, क्योंकि ये लेंथ ही हो जाने वाली है जीरो। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा ओवर बीसी लाइन वो हो जाएगा जीरो। अब सीडी लाइन की ओर, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगी सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वो तो इधर ही है। ठीक, बहुत बढ़िया, लेकिन जो एलिमेंट वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो दिख रहा होगा आपको, यहां पर एलिमेंट वेक्टर तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी डॉट जो आएगी विद नेगेटिव साइन और डीएल इंटीग्रेशन एल, तो ई टू टी एल आने वाला है। ठीक है, ई टू टी एल आ गया और विथ नेगेटिव साइन, और अच्छा ये हो गया ओवर सीडी लाइन।
ओवर डीए लाइन में यही होगा कि ये हाइट जो है लगभग लगभग जीरो रख रहा है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी जीरो, आपको ये फॉर्म दिख जाएगा। अब अगर एल कॉमन कर लें यहाँ पे तो अंदर होगा ई वन के टैंजेंशियल कंपोनेंट माइनस ई टू के टैंजेंशियल कंपोनेंट और वो जीरो के बराबर। ठीक, अच्छा अब ये लेंथ तो जीरो हो नहीं रखता भाई, लेंथ जीरो है नहीं, लेंथ जीरो नहीं है तो ये वाली अंदर वाले कंपोनेंट, अंदर वाले टर्म आई मीन फैक्टर वो जीरो होगी। तो वहां से आप निकाल सकोगे कि टैंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई वन इक्वल्स टू टैंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई टू। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। तो अगर टैंजेंशियल कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन मीडियम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू मीडियम के टैंजेंशियल कंपोनेंट अगर बराबर है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पैरेलल कंपोनेंट्स या टैंजेंशियल कंपोनेंट डिसकंटिन्यूअस नहीं है या डिसकंटिन्यूअस नहीं होते फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस नहीं होते टैंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक, अच्छा अगर डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी ही है कि डिसकंटिन्यूअस नहीं है यानी कि सेकंड मीडियम के टैंजेंशियल कंपोनेंट और फर्स्ट मीडियम के टैंजेंशियल कंपोनेंट बराबर होंगे, डिसकंटिन्यूअस नहीं होने का मतलब यह है। ठीक, तो कभी कभी उसके वैल्यूज के बारे में भी पूछ दिया जाता है या तीन पैरामीटर्स इन दोनों में से कुछ भी दे दिया जाएगा और आपको चौथा पैरामीटर पूछ दिया जाएगा। तीन चार पैरामीटर्स मेरा कहने का मतलब है ई वन थीटा वन ई टू थीटा टू, चार पैरामीटर्स आपको देख रहे हैं। बेसिकली मैंने टेंजेंशियल कंपोनेंट E1 की लिखी है, E1 की टेंजेंशियल कंपोनेंट E1 sin थीटा 1 और वैसे ही E2 की टेंजेंशियल कंपोनेंट E2 sin थीटा 2, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो आपको ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो कि डिसकंटिन्यूअस नहीं होते और एक इनके वैल्यूज क्या होते हैं। तो वैल्यूज अगर आपको पता है तो कोई भी तीन पैरामीटर्स अगर गिवन होगा, जैसे सपोज करें थीटा 1 गिवन है, थीटा 2 गिवन है, E2 गिवन है, तो आपसे इवन पूछा जा सकता है, तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी गेट में या बीएचयू के वगैरह एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल होता है, एक दो मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक, तो ये था टैंजेंशियल कंपोनेंट्स के ऊपर चर्चा जो हमने पिछले क्लास में किया था। आज जो हमें बेसिकली बात करना था वो बात करना था नॉर्मल कंपोनेंट्स के ऊपर, और नॉर्मल कंपोनेंट्स के ऊपर अगर हमें चर्चा करना है तो सबसे पहले तो मैं उसका फिजिकल अप्रोच दिखाता हूं कि अप्रोच क्या होना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर, और फिर मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो किसके फंक्शंस होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके फंक्शन होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी काफी बार सवाल पूछे जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप आपका होना चाहिए क्योंकि इस चीज को हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पे यूज किया करते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं नॉर्मल कंपोनेंट्स के लिए। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हम लोग फ्लक्स कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं? फ्लक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फ्लक्स कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस यूज किया जाएगा, गॉस सरफेस बनाया जाएगा, वो कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, मतलब ये ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म। ठीक, बहुत बढ़िया। अब सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा अगर गॉसियन सरफेस, तो थोड़ा सा यहां पे देखें कि मैं टर्म यूज करने वाला हूं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, अच्छा पहले मैं लिख देता हूं, है ना। तो मीडियम वन में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वन है जो कि थीटा लाइन एंगल बना रही है, और मीडियम टू में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी टू है जो कि थीटा टू एंगल बना रही है, और आपको दिख रहा है परमिटिविटी एप्सिलॉन टू है, परमिएबिलिटी म्यू टू है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टू है मीडियम टू की। वैसे ही मीडियम वन की परमिटिविटी एप्सिलॉन वन है और परमिएबिलिटी म्यू वन है और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन है। ठीक है, तो वो सारे डाटा गिवन है, सेम है। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया है वो है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो कुछ ऐसा है, सॉरी, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
चार्ज डेंसिटी अपॉन अप चार्ज एंड नॉट इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ ई। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए कि जो चार्ज डेंसिटी है इट कैन बी बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड इट कैन बी फ्री चार्ज डेंसिटी। सो आई कैन राइट इट एज फ्री चार्ज डेंसिटी प्लस बाउंड चार्ज डेंसिटी अपॉन अप चार्ज एंड नॉट, दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई। नाउ बाउंड चार्ज डेंसिटी जो है बेसिकली बाउंड चार्ज डेंसिटी जो है पोलराइजेशन वेक्टर और बाउंड चार्ज डेंसिटी के बीच में एक संबंध है। मतलब बाउंड चार्ज डेंसिटी की वजह से एक वेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, मतलब उसका थोड़ा अगर बेसिक चर्चा मैं करूं तो आप देख सकते हो कि अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है और अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने उसके बगल में लाके रख दिया, ठीक है, या स्विच ऑन कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बगल में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके अंदर के जो एटम्स होते हैं या बाउंड चार्जेस होते हैं उस पे फोर्स फील होगा। मतलब अगर नेगेटिव चार्जेस है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, ठीक, और जो पॉजिटिव चार्जेस है उसी के डायरेक्शन पर लगेंगे, तो अंदर कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली बाउंड चार्जेस की वजह से आया है। ठीक है, और बाउंड चार्जेस की वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके लिए जो हम लोग एक एक्स्ट्रा वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं वो है पोलराइजेशन वेक्टर, जो कि सीधा सीधा संबंध रखता है बाउंड चार्जेस से। ठीक है, तो उसका जो रिलेशनशिप है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो डाइवर्जेंस होती है पोलराइजेशन वेक्टर की, पोलराइजेशन वेक्टर का जो सिंबल है वो है वेक्टर पी, तो जो डाइवर्जेंस होता है पोलराइजेशन वेक्टर का वो इक्वल होता है माइनस ऑफ बाउंड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको यूज करेंगे हम लोग इस इक्वेशन स्टार में, इस इक्वेशन स्टार में यूज करेंगे इसे। ठीक है, तो आइए आप यूज करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो एफ फ्री चार्ज डेंसिटी, बहुत बढ़िया, प्लस रो बी। ठीक है, तो रो बी क्या होगी, माइनस ऑफ डाइवर्जेंस पी। तो चलिए यहां पे माइनस आएगा डाइवर्जेंस पी, अच्छा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाली पूरा टर्म इधर ले आते हैं डाइवर्जेंस कॉमन कर लेंगे। ठीक है, सिंपल से बनता है, डाइवर्जेंस कॉमन कर लेंगे इधर ले आते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई प्लस डाइवर्जेंस कॉमन ही कर लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई प्लस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल रो एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंपल सा बात था। अब ये चीज आपने नोट कर ही लिया होगा मेरा ख्याल है, इस इक्वेशन को याद रखिएगा, लास्ट में इस इक्वेशन को अपन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखें, बस एलसीएम वगैरह लेना है और कुछ नहीं है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स रो एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई प्लस वेक्टर पी फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ फ्री चार्ज डेंसिटी, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है फ्री चार्ज डेंसिटी के। और इस टर्म को हम लोग नाम दिया करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सीधी से बात है, इसे हम लोग नाम दिया करते हैं डी वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो एफ, और इसका मतलब है कि जो वेक्टर डी है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होगा फ्री चार्ज डेंसिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन आप यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो फंक्शन है फ्री चार्ज डेंसिटी के भी और बाउंड चार्ज डेंसिटी के भी। तो इस चीज को एकदम बिल्कुल दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्री चार्ज डेंसिटी की भी फंक्शन होती है और साथ ही साथ बाउंड चार्ज डेंसिटी की भी फंक्शन होती है, वहीं जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री चार्ज डेंसिटी की फंक्शन होती है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वहां तक आपको चीजें समझ में आनी चाहिए ठीक ढंग से। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्टिव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है आपको समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल है। अब यहाँ पे हम लोग फ्लक्स कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यूज करना है हमें फ्लक्स कॉन्सेप्ट, नॉर्मल कंपोनेंट के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है फ्लक्स कॉन्सेप्ट। तो फ्लक्स कॉन्सेप्ट, सीधी सी बात है, फ्लक्स कॉन्सेप्ट जब हम लोग यूज करेंगे, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सरफेस एलिमेंट के साथ इंटीग्रल ओवर द सरफेस वो इक्वल होता है फ्री चार्ज के, वो इक्वल होता है फ्री चार्ज के। इसका सिंपलर फॉर्म आपने प्लस टू लेवल या बीएससी में पढ़ा होगा, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डीएस इक्वल वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज, ठीक है। और वहां पे क्यू बाउंड भी होता है और साथ ही साथ फ्री भी होता है। लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री चार्ज डेंसिटीज का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्री चार्ज, ठीक, बहुत बढ़िया। तो आप इसे यूज करें, देखिए जो यहाँ पे सर्फेसेस बन रही है, एक तो सर्फेस ये है नीचे वाली सर्फेस, ठीक, इस सिलेंड्रिकल सर्फेस से, इस गॉसियन सर्फेस से फ्लक्स कितना है एग्जिट आउट हो रहा है या इंटर आउट हो रहा है उसे हमें बेसिकली निकालना है, ठीक है। तो ये सरफेस S1 है और ये सरफेस S2, और ये जो कर्व सरफेस है उसे मैं बोल लेता हूं सरफेस S3, ठीक। तो ये टर्न आउट हो जाएगा वेक्टर D डॉट ds ओवर S1, ये इंटीग्रल ओवर S1, S1 सरफेस प्लस वेक्टर D डॉट ds ओवर S2 प्लस वेक्टर D डॉट ds ओवर S3, और ये बराबर होना है फ्री चार्जेस, ये बराबर होना है फ्री चार्जेस के, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए, तो सरफेस S1 के लिए जो ये सरफेस एलिमेंट है, सरफेस एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, अपन अगर चर्चा कर रहे हैं नॉर्मल कंपोनेंट्स की, तो देखिएगा ध्यान से, जो S1 सरफेस है उसकी एरिया वेक्टर हमेशा, एरिया वेक्टर क्या होती है आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है, सरफेस की आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर है, ठीक। अच्छा, और इसकी कंपोनेंट अगर देखा जाए, नॉर्मल कंपोनेंट d1 की नॉर्मल कंपोनेंट अगर देखा जाए तो वो है अपवर्ड, ठीक। तो इनके बीच का एंगल आप देख रहे होंगे कि पाई है 180 डिग्री, तो जो डॉट प्रोडक्ट आएगी वो विथ नेगेटिव साइन आएगी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डी वन नॉर्मल कंपोनेंट और सरफेस इंटीग्रल की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी इस सरफेस एरिया के बराबर, क्योंकि मैंने S1 माना है, तो यहां पर लिख देता हूं S1, ठीक है, विथ माइनस साइन, दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और S2 के ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर होगा, और जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा D2 का वो भी अपवर्ड ही होगा, तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब सेम डायरेक्शन में है तो उनके जो इंटीग्रल आएंगे पॉजिटिव साइन आएंगे, तो डी टू एन ओवर एस टू और एस थ्री, यानी कर्व्ड सरफेस। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है उस कर्व्ड सरफेस एरिया पर लगभग लगभग जीरो को अप्रोच करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो हाइट है, हमें ख्याल यह रखना है कि बाउंड्री कंडीशंस पे चर्चा हो रही है, यानी बाउंड्री पे चर्चा हो रही है, यानी हाइट लगभग लगभग होनी चाहिए जीरो, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो होती सिलेंडर की 2πRh, यानी एस तो लगभग जीरो है, यानी ये जो इंटीग्रल होगी ओवर दिस कर्व्ड सरफेस वो हो जाएगी जीरो, ठीक। तो ये चीज बची और ये बराबर होनी है क्यूएफ। अब ये S1 और S2 तो सेम है, इक्वल है, तो इसे अपन लेट कर लेते हैं S के बराबर, S1 और S2 इक्वल है, इसे लेट कर लेते हैं S के बराबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो S कॉमन है अंदर D2n माइनस D1n इक्वल क्यूएफ, ठीक है। अच्छा, क्यू है तो हम लोग लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी, और आपको अच्छे से पता है कि सिग्मा एफ जो होगा वो क्यू एफ अपॉन एस होगा, एस जो है वो सरफेस एरिया को बता रहा है, ठीक है। एस को बेसिकली आपने देखा होगा ऐसा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वहां पर एस लिख रहे हैं क्योंकि सरफेस एरिया को हमने लेट कर रखा है एस, ठीक है।
तो यहां से QF जो आ जाएगा वो सिग्मा एफ टाइम्स एस, तो मैं इसे लिख देता हूं सिग्मा एफ टाइम्स एस, तो ये एस से एस कैंसिल आउट, तो आपको दिख रहा होगा कि डी टू एन माइनस डी वन एन वो बराबर है सिग्मा एफ के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल ध्यान से इसे याद रखना है, और यहां से फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, साथ ही साथ एक चीज और निकल के आ रही है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट्स है उनके बीच का डिफरेंस कुछ आ रहा है, जो नॉर्मल कंपोनेंट्स उसके बीच का कुछ डिफरेंस है, यानी वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी नॉर्मल कंपोनेंट जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, एक बात तो ये कि नॉर्मल कंपोनेंट्स देयर इज डिसकंटिन्यूटी, देयर इज डिसकंटिन्यूटी। ठीक, एक बात तो ये, और साथ में ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर अब यहीं पे स्पेशल केसेस चलते हैं, यहीं पे स्पेशल केसेस चलते हैं कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाए जीरो, यानी सिग्मा एफ हो जाए जीरो, अगर सिग्मा एफ हो जाए जीरो, ठीक, सिग्मा एफ जीरो हो जाए तो जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे जीरो के, इसका मतलब कि जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, जब डिफरेंस कुछ नहीं है यानी इक्वल हो जाएंगे, तो नॉर्मल कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे। इसे भी आपको याद रखना है, ये कब है, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया है जीरो। ठीक, अच्छा, अब नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल है जब सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो है, अब साथ ही साथ इसके वैल्यूज को भी आप निकाल लो, यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी टू, डी टू की नॉर्मल कंपोनेंट वो क्या आएगी, डी टू कॉस थीटा टू, डी टू कॉस थीटा टू, और डी वन की नॉर्मल कंपोनेंट डी वन कॉस थीटा वन, डी वन कॉस थीटा वन, बहुत बढ़िया, डी टू कॉस थीटा टू इक्वल डी वन कॉस थीटा वन। ठीक, अच्छा, डी टू का अपन क्या लिख सकते हैं, डी टू को लिख सकते हैं अपन एप्सिलॉन टू डी टू, क्योंकि यहां की जो परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन टू, और इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू है, साथ में कॉस थीटा टू इक्वल एप्सिलॉन वन ई वन कॉस थीटा वन, क्योंकि मीडियम वन की जो परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन वन। ठीक, पोलराइजेशन वेक्टर जो होते हैं वो बाउंड्रीज मतलब अलग मीडियम्स में वो जीरो हो जाते हैं, मतलब बॉडीज के बाहर पोलराइजेशन वेक्टर क्या होते हैं, जीरो। ठीक है, तो एप्सिलॉन टू ई टू कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा टू इक्वल एप्सिलॉन वन ई वन कॉस थीटा वन, तो आपको ये रिलेशनशिप भी याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी याद रहना है आपको। ठीक है, तो कोई भी पैरामीटर्स की यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, तो अब एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू तो इनके अंदर गिवन ही होता है। ठीक है, तो चार पैरामीटर ही मान के चलो, चार पैरामीटर्स में कोई भी तीन पैरामीटर गिवन होगा चौथा पैरामीटर पूछ लिया जाएगा, वही ऑब्जेक्टिव टाइप में एक दो मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक ये याद रखना है, दोनों ही फॉर्मूला तब आए हैं जब सरफेस चार्ज डेंसिटी फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो हो गई। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड है, और वो फर्स्ट हम लोगों ने निकाला था टैंजेंशियल के लिए, याद होगा टैंजेंशियल के लिए रिलेशन था ई वन साइन थीटा वन इक्वल ई टू साइन थीटा टू, ये फर्स्ट था। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से भाग दे दिया जाए, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से भाग दे दिया जाए, मतलब ये इधर लिख देते हैं अपन, फर्स्ट इक्वेशन को अगर सेकंड इक्वेशन से भाग दे दें तो जो मुझे दिख रहा है इवन इवन मर जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, इटू इटू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा अब साइलेंट वन टैन थीटा वन इक्वल अब चैलेंज टू टैन थीटा टू। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये जो रिलेशन आया है वो रेशियो है टैंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स का। ठीक है, ये रेशियो है टैंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स का। ठीक है, सिंपल सा बात है, ये जो है वो रेशियो है टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट का, ये आपको याद होना चाहिए, ये
ये जब सरफेस चार्ज डेंसिटी जब जीरो कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में क्या रिलेशन आए हैं वो याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है वो याद होना चाहिए, और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो नहीं है तब डिस्कंटिन्यूटी होती है ये याद होना चाहिए, और टैंजेंशियल कंपोनेंट में क्या रिलेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो यही सारे सिंपल फंडे थे बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे अगले क्लासेस से। बेसिक कॉन्सेप्ट का मेरा मतलब है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ऊपर चर्चा होगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेल ऑपरेटर्स पर चर्चा होगी, लैप्लासियन ऑपरेटर्स के ऊपर चर्चा होगी। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें और ट्यून्ड रहे हमारे चैनल के साथ, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। मैथ्स के भी लेक्चर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही साथ साथ चलेगी, आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।